पंच दिवसीय महर्षि चरक वनांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा 2022 के प्रभारी श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी का हम अपने YouTube चैनल में हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी के कुशल निर्देशन में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र सहित सीमावर्ती प्रांत बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुल 940 राजस्व ग्रामों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। महर्षि चरक वनांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा 2022 के 135 कैंपों के माध्यम से 780 चिकित्सकों ने 75,943 मरीजों का उपचार किया। शामिल सभी चिकित्सकों के साथ ही अन्य सभी का सहयोग स्तुत्य वंदनीय अभिनंदनीय है। श्रद्धेय डॉक्टर जय कुमार पांडे जी, हमें बताएं कि अद्भुत, अनोखे और आश्चर्यजनक तरीके से महज 5 दिनों में 940 ग्रामों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में आप समर्थ हो सके। श्रद्धेय अजय कुमार पांडे जी। हाँ, धन्यवाद प्रमोद जी। जी, जैसा आप हम लोग सभी जानते हैं जी कि बिना किसी सहयोग के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है जी। तो इस महर्षि चरक वनांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा को संपन्न करने में जी जिन महत्वपूर्ण संस्थानों ने हिस्सा लिया, वहाँ के चिकित्सकों ने, वहाँ के आयुर्वेद के स्नातक विद्यार्थियों ने जी जी, उनमें प्रमुख रूप से जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आयुर्वेद संकाय के छात्र और चिकित्सक जी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज संपूर्णानंद के चिकित्सक जी, जीवक आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सक जी, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सक जी और कौशाम्बी आदि जो आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सक और वहाँ के छात्रों ने इसमें सहभागिता की जी, जिससे ये कार्य संपूर्ण हो सका। साथ ही में मैं इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है जी, इसमें विश्व आयुर्वेद परिषद के डॉक्टर के द्विवेदी जी, जो कि विश्व आयुर्वेद परिषद के सह संगठन सचिव हैं जी, उनका विशेष सहयोग इसमें मिला जी। साथ ही विशेष सहयोग जो हमको प्राप्त हुआ वह सेवा समर्पण संस्थान जी, जो सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज जो चपकी में पड़ता है बभनी ब्लॉक में जी जी, वहाँ के आनंद जी भाई साहब, आलोक जी भाई साहब जी, विमल जी भाई साहब जी, इन लोगों के अथक प्रयास से यह यात्रा इस रूप में पहुंची जी, जिससे हम लोग इस कार्य को संपूर्ण कर सके जी जी जी। पंच दिवसीय महर्षि चरक वनांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा 2022 के प्रभारी श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी से हमारी बात हो रही है। श्रद्धेय पांडे जी, हमें बताएं कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार के मरीजों की संख्या अधिक मिली, उनके बारे में। मरीजों की संख्या जो आदिवासी और जो वनांचल एरिया के जो लोग हैं जी, वो मुख्य रूप से तो कुपोषण जन्य जो व्याधियां हैं उसके भी शिकार पाए गए जी। उसमें जो प्रमुखता से हमको हम लोगों को मिली वो एक तो दांतों की समस्याएं हैं जी, मसूड़ों की समस्याएं हैं, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना जी, एनीमिया की समस्या जी, ये प्राप्त हुई। साथ ही जोड़ों में दर्द, गठिया की समस्याएं जी, उदर रोग की समस्याएं, पेट की समस्याएं उनको उनमें मिली जी। साथ ही ऐसे भी मरीज मिले जो मधुमेह आदि से भी ग्रसित हम लोगों को वहाँ दिखाई पड़े जी, क्योंकि मधुमेह का एक कारण कुपोषण जन्य भी है जी, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है तो इस प्रकार की व्याधियां भी दिखाई पड़ती हैं जी। तो इन संख्या इन रोगों की संख्या मतलब ज्यादा मात्रा में थी वहाँ पे जी जी। डॉक्टर साहब, चूंकि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में औषधीय पौधों की संख्या जो बताया जाता है कि सबसे अधिक है जब से उत्तरांचल का यहाँ से अलगाव हुआ, तो आप हमें बताएं कि
ऐसी वनस्पतियां जो विशेषकर सोनांचल में जिन क्षेत्रों में आपका आना हुआ जाना हुआ, वे कौन कौन सी प्रमुख रूप से थीं ऐसी? देखिए, चिकित्सीय जो औषधियों की बात है तो चिकित्सीय औषधियां वहां पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जी आवश्यकता है जैसे हरित की है, विभीतिक है, आंवला है, जी जी ठीक है ना, कुछ पारिजात तो है, कांचनार की चीजें मिली, साथ जी ही में जो जैसे पीपल है, पाकड़ जी है, गुलर है, तो जी ये सब पौधे वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आवश्यकता है कि जो क्षेत्र जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं जी उनको अवेयर करने की, तो हम लोगों का एक मोटो इसमें ये भी था कि जी जो बनवासी क्षेत्र में लोग रहते हैं जी उनको इन पौधों के बारे में जागरूक करना कि वो स्वयं नीम है, अब जी नीम की क्या यूटिलिटी है उनको बताया जाए, तो जिससे वो स्वयं में उसको प्रयोग करके उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों में। साथ ही जी में अनेक प्रकार की बीमारियां वहां मिली, जैसे स्किन की बीमारियां हैं, तो उनको अगर जागरूक कर दिया जाए कि नीम यहाँ यहाँ काम कर सकता है, कुछ नहीं है तो उसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं, जी या उनको क्वाथ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उनका काढ़ा बना के प्रयोग कर सकते हैं, तो जी ये चीजें वहां पे दिखाई पड़ी। जी हमें लगता है कि वनवासियों के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, या जो सामाजिक संगठन हैं, उन्हें भी यह प्रयास करना चाहिए इन जी औषधियों से संबंधित वनस्पतियों को संरक्षित और विकसित करने में। जी जी और श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, हमें बताएं कि इस समय की जो स्थिति चल रही है 21वीं सदी में 2022 में, विभिन्न प्रकार की व्याधियां पूरे संसार में फैली हुई हैं, उनसे बचने के लिए विशेषकर आदिवासियों या वनवासियों या जन सामान्य को किस प्रकार से अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, उनकी दिनचर्या किस तरह की रहे, इसके बारे में हमें बताएं। जी स्वास्थ्य हमारा कैसे बना रहे, तो इसके बारे में आयुर्वेद बहुत स्पष्ट मत अपना व्यक्त करता है। जी आचार्य चरक कहते हैं, जिनके नाम पर हम लोग ये महर्षि चरक बनांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा संपन्न किए हैं, जी वो कहते हैं कि सर्वम अन्नम परित्यज्य शरीरम अनुपाले, जी और तद अभावे ही भावानाम सर्व भावः शरीराणाम। जी चरक कहते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, जी तो उसकी रक्षा हम लोग कैसे करें, तो जी उसके बारे में आचार्य चरक ने हमें दिनचर्या के बारे में बताया जी कि हमें कब उठना है, किस जी प्रकार की चर्या हमको करनी है, कब स्नान करना है, कब खाना है, कैसे खाना है, जी ये चीजें बताई। या रात्रिचर्या, रात्रि में हमें किस प्रकार से सोना है, जी तो उसके पालन के बारे में उसका पालन करना चाहिए। या ऋतुचर्या, जब ऋतुएं जी बदलती रहती हैं जी तो हमें किस प्रकार के आहार विहार का पालन करना चाहिए, जी ये चीजें आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट किया गया है। बस आवश्यकता यह है कि इसका प्रचार प्रसार जन सामान्य में किया जाए, जी साथ ही जो बनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जी उनको भी, अनेक जो संस्थान हैं जी या जो एनजीओ इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जी उनको किसी न किसी चिकित्सक की सहायता से वहां पर जो आयुर्वेद में विहित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या है, जी इसका अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो जी काफी कुछ रोगों को हम लोग रोक सकते हैं, उनके मतलब रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे अगर इनका जी पालन किया जाए, और वो लोग स्वस्थ रहेंगे। जी शुरुआत में उसकी रोकथाम की जा सकती है। जी बिल्कुल, शुरू में ही रोकथाम अगर कर लेंगे तो आगे चिकित्सक के पास पहुंचने की उनकी जरूरत ही ना पड़े। श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, हमें एक बात और बताएं, क्योंकि वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, औषधि से जुड़ा हुआ मसला है, तो क्या ऐसा महसूस होता है कि इन क्षेत्रों में इस पर विशेष तौर पर जैसे शोध कार्य इत्यादि भी किए जा सकते हैं, ऐसी कुछ संभावना आपको लगती है? जी जी बिल्कुल, जो वहां पे जो काम जी जो औषधियां हैं वहां पे शोध संस्थान की एक बहुत सख्त मतलब नितांत आवश्यकता है, शोध संस्थान बने, साथ ही में जो रिसर्चर हैं वो ये फाइंड आउट मतलब करना है उनको, जैसे हम लोग इसमें
बहुत सी कि कौन कौन सी समस्याएं वहां पे ज्यादा हैं जी जो प्रमुखता से उसको स्क्रीन करें और उसके लाइन पे उनके शोध कार्य करके नई नई औषधियों को निजात कर सकते हैं। तो इनकी बहुत ही नितांत आवश्यकता है, इस पर कार्य करने की जरूरत है। इसमें अनेक प्रकार के स्वयं न केवल सरकार बल्कि जो वहाँ के जिला स्तर के लेवल पे हैं, जो अनेक प्रकार के एनजीओ इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, वो लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी, श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, मुझे लगता है जैसे उदर से संबंधित आपने बताई समस्याएं लोगों में या दांत से संबंधित समस्याएं बताई, क्या यह जल जन्य मतलब जल के शुद्धता के अभाव में या ऐसे कौन से विशेष कारक हैं जिसकी वजह से इसकी चपेट में बनवासी आदिवासी आ रहे हैं? जी, एक तो जो जल है, जल वहाँ का जो जल है वो थोड़ा हीवी है, भारी है जी। भारी मात्रा में जो भारी जल होता है उसको पीने से अनेक प्रकार की समस्याएं तो होती ही हैं जी। साथ ही में कुछ क्षेत्रों में जो फ्लोराइड वगैरह की मात्रा भी अधिक पाई जाती है जी। तो जिसमें इसके द्वारा क्या है, फ्लोरोसिस की समस्या उत्पन्न होती है जी। ठीक है ना, तो जी, फ्लोरोसिस जी। होने से क्या है, हड्डियों में जी। जोड़ों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, हड्डियां काफी फ्रेगाइल वीक हो जाती हैं जी। और उनको आगे चल के समस्याएं, बहुत ऐसे मरीज हम लोगों को मिले जिनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी भी दिखाई पड़ी जी जी। तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों की कारणता दिखाई पड़ती है जी जी। और जो पानी अगर सही नहीं है, तो पानी अगर नहीं सही होगा तो उसके द्वारा जो भी चीज हम लोग आहार को ग्रहण कर रहे हैं उसका सम्यक रूप से पाचन नहीं होगा जी जी। तो पाचन नहीं होगा तो अनेक प्रकार की जो है कुपोषण जन्य व्याधियां, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया जी। एनीमिया की उत्पत्ति हो सकती है, स्कर्वी की समस्याएं हो सकती है, मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों में सूजन होना, ये समस्याएं हो सकती हैं, या कटरेक्ट जी है ना जी, जिसे रात में हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसको रतौंधी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो वो समस्याएं हो सकती हैं, या मधुमेह की कुछ प्रकार होते हैं वो उत्पन्न हो सकता है जी जी। तो पानी जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऊपर वाले ने हमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण दी जी, एक तो हवा, दूसरा जल जी जी, कि इसको फ्री में आदमी अगर लेगा तो स्वस्थ रहेगा, एकदम फ्री दिया जी। आज हम पानी के लिए देखें तो पानी के लिए हम उसकी कीमत चुका रहे हैं जी जी, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में, आने वाले कल में हवा के लिए भी हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जी जी। तो आज से ही हमको सजग रहना है जी, है ना, सचेत जी, रहना है, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है जी जी। मतलब ना केवल वनवासी क्षेत्रों में बल्कि अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जी, वहां पे भी पानी और हवा जी, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है जी। श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, हमें लगता है कि जलजन्य या वायुजन्य जो विविध प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और उसमें सावधानियां बरती जाए तो अस्वस्थता की स्थिति कम होगी जी। बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी ने जी जी। और हम लोगों से भी अपील करते हैं, अपेक्षा करते हैं, विशेषकर सोनभद्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे भारतवर्ष के लोगों से कि वे जल को प्रदूषित होने से बचाएं और हवा को दूषित होने से बचाएं, प्रयास करें कि शुद्ध जल उन्हें भी मिले, अन्य लोगों को मिले, उसी तरह से वायु भी शुद्ध मिले, जिससे बीमारियों पर उनके पैदा होने से पहले ही काफी हद तक अंकुश लगाया जा सके। श्रद्धेय डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद प्रमोद जी जी, आपके सहयोग के लिए जी।